ओके सर, ठीक है ठीक है सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब मेरे ख्याल से मेरा ही आवाज आपको आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक अभिषेक सर, चंद्रा सर एंड ऑल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल देयर। जस्ट अ सेकेंड, आई Yes, जस्ट sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Don't worry about इज विजिबल। राइट राइट सर। it. स्क्रीन आ गई सर। चंद्र सर, अभिषेक सर, ओके, अज्यूमिंग दैट माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल, आई थैंक ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एरियाज, अभिषेक सर, उमेश चंद्र सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। I'm going to present my presentation on home fitness and fitness as lifestyle. Believing that I'm audible to you all, hopefully I'll be taking around 45 minutes to 60 minutes, and I'll be having around 30 slides, wherein if the technical things are going okay, then we will be having this video as well. I'm sorry that I am not visible to you all. So without wasting much of time, so let me start my presentation. Myself Mahesh, I am from Shantiniketan, and today's topic is home fitness and life fitness, or fitness as lifestyle, under the stay fit and healthy, the mantra to challenge COVID-19. So, सबसे पहले दिमाग में आता है कि लाइफ स्टाइल, फिटनेस, ये सारी चीजें क्या है। फिर बाद में आता है कि हाँ, हेल्थ क्या है, फिर वेलनेस क्या है, फिर वेलनेस है तो फिर फिटनेस क्या है। मेरे ख्याल से सभी के दिमाग में ये सारी चीजें आती होगी। एंड इसके पहले जो स्पीकर्स थे, डॉक्टर सुप्रियो, डॉक्टर प्रशांत, आई बिलीव दे ऑलमोस्ट हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज एरियाज। प्रशांत सर ने हो सकता है आपको योगिक टर्म्स में बताया होगा, सुप्रियो सर ने आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एजुकेशन के टर्म्स में बताया होगा, तो मैं थोड़ा सा रिपीटेशन हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशंस में हो जाए। सो टू स्टार्ट विथ आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हेल्थ एंड ऑल। सो आई विल बी कवरिंग 4 to 6 एस्पेक्ट्स, दैट इज हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, लाइफस्टाइल, and thereafter I'll be talking about the importance of physical fitness, and then I'll be talking about the components of the physical fitness jo abhi humko zarurat hai. So what exactly is health? So WHO ne bola hai, a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of diseases or infirmity. Abhi isme bola jata hai ki health jo hai, that is internal strength. वेलनेस जो है वो हमारा गुड हेल्थी है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हमारे अलग डायमेंशंस जो है, इंटरनल डायमेंशंस और कुछ एक्सटर्नल डायमेंशंस, उसको वेलबींग रखने के लिए हम लोग वेलनेस बोलते हैं। और फिटनेस जो होता है, इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग सूटेबल टू फुलफिल अ पर्टिकुलर रोल और टास्क, मतलब हमको कोई भी कार्य करने के लिए एक सहजता महसूस हो जाए, उसको हम लोग फिटनेस बोलते हैं। अब वो कार्य हो, चाहे बैठना हो, चाहे उठना हो, कोई चीज को उठाना हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। और लाइफस्टाइल होती है कि हम किस तरीके से रहते हैं, द वे इन विच अ पर्सन लिव्स, और किस स्टाइल से हम रहते हैं, उसको हम लोग लाइफस्टाइल बोलते हैं। सो दिस इज वन पार्ट, एंड देन विल टेक द मेजर पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। एक मिनट, थोड़ा सा मैं स्क्रीन सेट कर दूं।
मैं तो सारी चीजें ढकी ढकी नजर आ रही है यार. इट इज ओके. सो एज आई सेड आई विल बी कवरिंग 5 to 6 एस्पेक्ट्स एंड टू स्टार्ट विथ वॉट एग्जैक्टली इज फिटनेस. नाउ फिटनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू अ डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीक और पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एनी एमरजेंसी. मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने बताया, वो सहजता से हम कर पाए और बिना थकान या बिना कुछ ज्यादा एफर्ट लगाए हुए सहजता से हम उसको करें, उसको हम लोग फिटनेस बोलते हैं. और जनरली ये खेल में ही नहीं, मतलब हर कार्य में इसका इस्तेमाल होता है. कैसे होगा वो विल सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, फ्री ऑफ डिजीजेस, कैपेबिलिटी टू लीड वेल बैलेंस्ड एंड नेचुरल लाइफ. इसमें स्पिरिचुअल, मेंटल, इसके कंपोनेंट्स में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, अगर थोड़ा टाइम परमिट होगा तो. बट हम लोग फोकस करेंगे मेनली फिजिकल फिटनेस के ऊपर. लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया कि इट इज द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ पर्सन और ग्रुप. जनरली क्या है, अगर हम लोग छोटे बच्चों के साथ अगर ज्यादा खेलेंगे या ज्यादा रहेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा एक्टिव रहता है. अगर आप देखेंगे छोटे बच्चों के साथ अगर हम खेलते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी भी लगता है लेकिन फन भी होता है. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई डू वी रिक्वायर फिजिकल एक्टिविटी और क्यों हमको इसकी जरूरत है. तो इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्समैन एंड नॉन स्पोर्ट्समैन. जैसे मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटी, इट रिड्यूसेस हेल्थ रिस्क और इलनेसेस. ऐसा नहीं कि मतलब हमको बीमारी नहीं होगी, बीमारी सबको होगी, लेकिन उसका हो सकता है जो टाइम स्पैन है वो कम रहे, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम रहे. चेंज इन लिविंग स्टाइल्स एंड हेल्प इंक्रीज लाइफ स्पैन. अभी हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ सांसों के ऊपर हमारा जीवन निर्भर होता है, लेकिन ये भी है कि हाँ अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हमारा लंग्स पावर बढ़ेगा, हार्ट का पंपिंग पावर बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा जो कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगा, इसलिए लाइफ स्पैन बनने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है. कीप्स वन एक्टिव थ्रू आउट, हमें कोई भी कार्य करने के लिए उसको वो तत्पर या सतर्क रखता है. इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हम लोग बहुत ही प्रफुल्लित मन से करते हैं. मैनेजर्स स्ट्रेस लेवल्स, दिमाग में ज्यादा जोर होता नहीं है, जो भी सिचुएशंस होती है उसको हम लोग हो सकता है इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने कुछ हार्मोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी कि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं या फिर जो बाकी जो एक्टिविटीज करते समय हमारे जो सिक्रीशंस होते हैं वो अच्छी तरीके से फ्लो होते हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी ऑप्टिमम रहता है. इट इवन इम्प्रूव्स द पोस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस. आपने देखा होगा कई बार लोग जिम्स में जाते हैं, किस लिए, क्योंकि हम लोग सुंदर दिखने के लिए. कोई अगर आपको बोलता है कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, तो बहुत अच्छा फील होता है. अब ये स्मार्टनेस कहाँ से आता है, देर आर सर्टन थिंग्स कि हाँ कोई फिजिक्स से स्मार्ट बोलता है, कोई मेंटल एबिलिटी से स्मार्ट बोलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पोस्चर की बात करते हैं तो हमारे चलने का ढंग, बैठने का ढंग या फिर कोई एक्टिविटी करने का ढंग बहुत ही मतलब उसके एक उसकी उसमें एक लहजा दिखता है या फिर एक नजाकत दिखती है या फिर एक उसका एक फिनेस दिखता है. सो दैट इज द पोस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस इसमें डेवलप होता है. इट इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आप देखेंगे जिसके शोल्डर्स ड्रूप्ड है, मतलब नीचे गिरे हुए, तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि अरे स्मार्ट नहीं लग रहा है बंदा या फिर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है. सो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद करती है. इट इवन इंक्रीजेस द पॉजिटिव एटीट्यूड इन ए पर्सन और कीप्स वन मोटिवेटेड ऑल थ्रू. अगर आप देखेंगे ज्यादातर स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं या फिर जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ज्यादातर स्पोर्ट्समैन की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बाकी लोगों को भी देखेंगे जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं वो ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं, आप देख पाए होंगे. अभी हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं, जिसको जो मैं बोल रहा था कि आपने कई बार सुना भी होगा फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स. अब नाउ कॉम्पोनेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कॉम्पोनेंट क्या होता है, कॉम्पोनेंट इज एग्जैक्टली अ पार्ट और अ फीचर ऑफ समथिंग. तो फिजिकल फिटनेस के भी कुछ फीचर्स है,
तो वो फीचर्स क्या क्या है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, दैट इज HRPF. ये कई बार आपने सुना भी होगा. इट इंक्लूड्स स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को हम लोग कई बार एजिलिटी भी बोलते हैं. अब ये छह चीजें क्या है वो एक एक करके हम देखेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ जनरली बोलते हैं ताकत. इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस. अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट. जनरली कोई भी चीज उठाने के लिए, चाहे अपना शरीर हो या कोई सामान हो, कुछ एक उसमें मसल्स काम करते हैं और कुछ इसमें सभी मसल्स काम करते हैं. इसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं. कोई चीज फेंकने के लिए भी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल होता है. और कभी अगर बीमारी हो जाती है या फिर किसी का मतलब कभी इंजुरी हो जाती है किसी जॉइंट में या किसी इसमें, कभी भी स्ट्रेंथ कम होने के कारण वो जॉइंट या फिर वो पार्ट मोबिलाइज नहीं हो पाता है. सो टू गेट इट इन टू मोबिलिटी, उसमें कुछ एक्टिविटीज डॉक्टर्स हमको बताते हैं या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हमको बताते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स हमको बताते हैं. तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ के दो पार्ट्स आते हैं जिसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ होता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डायनेमिक स्ट्रेंथ, एक में आप देख पा रहे होंगे इट इज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. इसमें विजिबल मूवमेंट ऑफ मसल दिखता है या फिर बॉडी इज मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, कि मतलब हमारा जो अगर हाथ को हम हिलाते हैं तो हाथ हिलता हुआ नजर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक आइसोटोनिक. इसमें मैक्सिमम एक्सप्लोसिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये तीन अलग अलग चीजें डायनेमिक में आती है. स्टैटिक में आती है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जो कि मतलब इनविजिबल होती है मसल्स में. और बॉडी स्टेशनरी, ये जनरली स्टैटिक कॉन्ट्रेक्शन जो होते हैं या फिर आइसोमेट्रिक जो होता है इंजुरीज वगैरह के बाद इसको ज्यादातर दिया जाता है और ज्यादातर इसको मसल एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. सो दैट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ. और डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है जहां पे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जहां पे होती है, मतलब हमको अगर हम आज एक किलो वजन उठा पा रहे हैं तो इसको हम लोग 10 किलो तक कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग डायनेमिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं. और मसल एजुकेशन के लिए ज्यादातर हम लोग स्टैटिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं. तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग. दैट इज नेक्स्ट इज स्पीड. स्पीड इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ मूवमेंट और परफॉर्म ए मूवमेंट एट अ फास्टर रेट. इट डिपेंड्स ऑन मसल फाइबर्स. अभी मसल फाइबर्स पे हम लोग ज्यादा जाते नहीं है, मतलब चाहे हमको दौड़ना हो या किसी कार्य को जल्दी जल्दी करना हो या किसी चीज को पकड़ना हो तो इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, कितना जल्दी हम उसको करते हैं. इसमें भी तीन प्रकार आते हैं. पहला आता है रिएक्शन टाइम, दूसरा आता है एक्सेलरेशन, तीसरा है स्पीड ऑफ मूवमेंट. और रिएक्शन टाइम क्या है, इट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. अगर आपने अगर हम आगे चल रहे हैं और किसी ने हमको बुलाया अरे सुनिए, तो जब हम पलट के देखते हैं दैट इज रिएक्शन टाइम, हम कितना जल्दी पलटते हैं. या फिर कोई आपकी तरफ बॉल फेंकता है और हम उस बॉल को कैसे पकड़ते हैं, कितना जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, उसको हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं. या फिर कोई अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिराता है और हम उसको जल्दी पकड़ लेते हैं जमीन को टच होने से पहले, तो उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं. सेकंड होता है एक्सेलरेशन, रीचिंग फ्रॉम मिनिमम टू ऑप्टिमम. आपने कई बार रिएक्शन टाइम एक्सेलरेशन में गाड़ी का स्पीड देखा होगा, कि कोई जो गाड़ियां होती है जो एक्सेलरेशन उनका बहुत ज्यादा होता है, मतलब 5 सेकंड में ही वो 100 तक स्पीड पहुंच जाते हैं या फिर 10 सेकंड में ही 100 तक, मतलब जिसका ज्यादा टाइम लगता है उसका एक्सेलरेशन कम है, जिसका कम टाइम लगता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं. तो इसी तरह आपने देखा होगा 100 मीटर स्प्रिंट्स में जो वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट रनर है वो 9 point something something सेकंड्स में वो लोग 100 मीटर क्रॉस करते हैं, उनका एक्सेलरेशन स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो लोग ज्यादा तेजी से दौड़ जाते हैं. सो दैट इज एक्सेलरेशन. फिर होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट, टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू कंप्लीट द एंटायर मूवमेंट टास्क. मतलब कोई भी एक पूरा मूवमेंट है, जैसे मान लो एक काम करना है हमको, कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स से ही लेता हूं, कि हमको ट्रिपल जंप करना है. तो ट्रिपल जंप में हम लोग हॉप, स्टेप और जंप, ये तीन फेज में करते हैं. तो ये सारी चीजें हम कितना फास्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ मूवमेंट. या फिर हम लोग बोलते हैं कि बॉलिंग करना है, तो हम लोग रन अप लेते हैं, बॉलिंग एक्शन करते हैं और बॉल को रिलीज करते हैं. सो ये पूरा होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट.
या फिर अगर आप जिम्नास्टिक्स देखे होंगे, जिम्नास्टिक मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स है, अगर आप में से कोई जिम्नास्ट होगा तो वो ये जान पाएगा। तो जिम्नास्टिक्स में क्या होता है, अगर आपने कभी सिंगल बार के ऊपर लोगों को घूमते हुए देखा होगा, या फिर रिंग्स के ऊपर किसी को कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हुए देखा होगा, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उस मूवमेंट को वो लोग कैसे मतलब कितने सहजता से करते हैं और कितने स्पीड और कितने बैलेंस से वो करते हैं, उसको हम लोग स्पीड ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। सो ये है स्पीड, जो कि मतलब फास्टर मूवमेंट, या फिर कोई भी मूवमेंट जो है वो फास्टर रेट में किया जाता है। तो इसके पहले हमने देखा एंड्योरेंस, सॉरी स्ट्रेंथ, फिर देखा स्पीड, और अभी हम जाएंगे एंड्योरेंस के ऊपर, जो ये थर्ड पार्ट है। तो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस होता है मतलब कोई भी कार्य को हम लोग ज्यादा देर तक करें, उसको हम लोग एंड्योरेंस बोलते हैं। इसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी होता है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी होता है, और मस्कुलर एंड्योरेंस भी होता है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस एक जैसा ही है, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस ये दो अलग अलग है। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मतलब जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, और रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है हमारे लंग्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो चीजें आती है इसमें एंड्योरेंस में, वन इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस जिसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जिसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं। अब ये एनारोबिक और एरोबिक, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बताया कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और मस्कुलर, ये तीनों चीजें इसमें फॉल करती है। अब वो कैसे होगा वो एक एक बार हम एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, जिसमें मस्कुलर एंड्योरेंस जो कि क्या बोलते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस जो होता है वो हमारे डायरेक्ट मसल से रिलेटेड है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी एक एक्सरसाइज, या फिर कोई आदमी होता है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक, जैसे मान लीजिए आज 1 किलोमीटर चलना हो गया, 2 किलोमीटर चलना हो गया, या 5 किलोमीटर चलना हो गया, कुछ लोग होते हैं बड़े सहजता से चल लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और पैर का जो मसल्स है वो मसल्स जो है एकदम स्ट्रांग होते हैं, और वो जो एक्टिविटी जो है वो ज्यादा देर तक करने के लिए वो मतलब उनको इजी लगता है। सो उनका मस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होता है, और अगर उनको थकान ज्यादा जल्दी महसूस नहीं होती है तब उनका क्या बोलते हैं उसे, हार्ट का जो मसल्स होता है वो स्ट्रांग होता है, तो उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बोलते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होता है वो इंटेंस होता है, फास्ट होता है, और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इसलिए इसको एनारोबिक बोला गया है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लीजिए दौड़ना हो गया, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी पहुंचना है, किसी को बस पकड़नी होती है तो वो तेज दौड़ के पकड़ लेता है, तो वो स्पीड उसमें आता है, सो दैट इज एनारोबिक। किसी को मान लीजिए ट्रेन पकड़ता है कोई, तो दौड़ दौड़ के ट्रेन में चढ़ जाता है, या फिर साइकिल पे चढ़ना है तो मतलब साइकिल का पेडल चलाते चलाते फट से उसके ऊपर चढ़ जाता है, सो दैट इज फास्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जिसको हम लोग एनोरोबिक बोलते हैं, जो कि मतलब मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्ट्रेनियस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए होता है। कि आज मान लीजिए कोई बोलता है कि मुझे एरोबिक पावर बढ़ानी है, तो एरोबिक्स एक्टिविटी करते हैं या डांस करते हैं, तो ये सब करने के लिए उसका जो टेम्पो होता है वो स्लो रखना है, मतलब स्लो करना है लेकिन ज्यादा समय तक करना है। इसके तीन मेथड्स है, तो तीन मेथड्स कौन से हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और रेपिटेशन ट्रेनिंग। मतलब एक ही चीज को हम लोगों को बार बार करना है, और इंटरवल में मतलब वही चीज को एक बार किया, थोड़ा समय दिया, फिर एक बार किया, तो वो हो गया इंटरवल। और रेपिटेशन में क्या है, एक ही चीज बार 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 कर रहे, सो दैट इज रेपिटेशन। तो जैसे मान लीजिए बार बार करना है, तो मतलब मान लो 25 एक बार किए, फिर 25 किए, फिर 25 किए, सो दैट इज 25, मतलब रेपिटेशन की बात कर रहा हूं मैं। कि जैसे मान लो कोई बाइसेप कर्ल करता है, या फिर कोई स्प्रिंट करता है, या फिर कोई लिखता है, तो राइटिंग एबिलिटी भी एक लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का ही पार्ट आता है, दौड़ना भी लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का ही पार्ट आता है। तो पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रेंथ, दूसरा देखा हम लोगों ने स्पीड, तीसरा देख रहे थे हम लोग एंड्योरेंस, चौथा हम देख रहे हैं अभी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इट इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट एट इट्स ऑप्टिमम, और कोई भी मूवमेंट जो है हमारे जॉइंट के इर्द गिर्द जो होता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए, रेंज ज्यादा होना चाहिए जॉइंट के अराउंड में, तब हमारा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं हो, कुछ नहीं हो, मतलब थोड़ी 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 बहुत तो स्ट्रेंथ सभी को चाहिए होती है, स्पीड भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो तो बॉडी में
चपलता अच्छी रहती है, मतलब एजिलिटी अच्छा रहेगा, बॉडी में मूवमेंट अच्छा रहेगा, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी के भी चार पार्ट्स है, तो चार पार्ट्स कौन से है? वन इज पैसिव, एक्टिव, स्टैटिक, डायनामिक और PNF। तो ये इसमें बैलिस्टिक वगैरह भी आता है, लेकिन बैलिस्टिक जो है वो डायनेमिक का ही पार्ट है। तो पहले हम लेते हैं पैसिव। पैसिव इज विद द हेल्प ऑफ पार्टनर और इक्विपमेंट, तो हम उसको पैसिव बोलते हैं। मतलब अगर आपने देखा होगा कभी हम लोग हड्डी चटकाते हैं, कुछ करते हैं, तो बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद हमको अच्छा फील होता है। तो कोई भी मसल को स्ट्रेच करने के लिए जब हम किसी की सहायता ले लेते हैं, दीवार के ऊपर हाथ रखा और शोल्डर को स्ट्रेच किया, या फिर लकड़ी को लेके दोनों हाथों में घुमा दिया, या फिर किसी को बोल दिया कि मेरे हाथों को स्ट्रेच करो, पैरों को स्ट्रेच करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव स्ट्रेच। मतलब कोई और उसको असिस्ट करता है स्ट्रेच को। और नेक्स्ट होता है एक्टिव स्ट्रेच या एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि खुद हम करते हैं। हम जब हड्डी पीठ की हड्डी चटकाते तो हम लोग ऐसा मुड़ते हैं। योगासन में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर योगिक आसन जो होते हैं वो हम लोग खुद ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव स्ट्रेच, जो स्वयं करते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिक। बॉडी इज इन स्टेशनरी मोड। स्टैटिक मतलब हम लोग खड़े हैं, जैसे आप लोग अपने एंड स्ट्रेंथ में देखा, स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या है, मसल वहीं पे रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन में रहेगा और स्ट्रेच रहेगा, सो दैट इज ऑल्सो अ स्टैटिक स्ट्रेच। और डायनेमिक में क्या है, हम लोग डांस करते करते उसको स्ट्रेच करते हैं। हमारे वीडियोस में हम लोग देखेंगे, अगर कुछ उसमें नजर आएगा तो हम लोग डायनेमिक स्ट्रेचिंग के भी वीडियोस दिखाएंगे। फिर एक होता है PNF। PNF बोलते हैं इसको, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये सबसे इफेक्टिव स्ट्रेचिंग माना जाता है, कि इसमें दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रेच होल्ड, स्ट्रेच एंड होल्ड, मतलब एक जगह पर स्ट्रेच करना है फिर उसको होल्ड करना है, और दूसरा होता है स्ट्रेच होल्ड स्ट्रेच होल्ड, मतलब पहले स्ट्रेच करना है फिर होल्ड करना है, और एक होता है स्ट्रेच एंड काउंटर स्ट्रेच या काउंटर स्ट्रेंथ देना है उसको, तो उसको बोलते हैं होल्ड एंड काउंटर स्ट्रेच, काउंटर स्ट्रेन। तो मतलब किसी को स्ट्रेच कर दिया है और जिसको स्ट्रेच किया है वो वापस उसको प्रेस करेगा, इसलिए उसको इफेक्टिव बोला जाता है। तो ज्यादातर स्पोर्ट्स में अभी इसका इस्तेमाल होता है, जिम्नास्टिक्स में खास तौर पर PNF स्ट्रेचिंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रेंथ, फिर देखा स्पीड, फिर देखा एंड्योरेंस और फिर देखा फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम लोग पांचवें पार्ट पे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करने के लिए ज्यादातर BMI का इस्तेमाल किया जाता है और WHR का होता है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि मतलब वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर में देखा जाता है या फिर मेजर किया जाता है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जिसका BMI 25 से लेकर अराउंड 25 है, सो दैट इज सेट टू बी बेटर, और अगर कोई 25 से भी कम है दैट इज सेट टू बी एक्सीलेंट। तो बॉडी मास इंडेक्स जिसका इसके अंदर होगा दैट इज वंडरफुल। फिर होता है WHR, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो का मतलब होता है कि हमारा जो कमर है और जो पेट है, मतलब ये हमारा जो रेशियो है इसका, वो ठीक होना चाहिए। अब वो कितना होना चाहिए, ये वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप रेशियो, हिप का जो मेजरमेंट है सेंटीमीटर्स में वो दिया जाता है, और वो हमारा अप्रोक्सीमेटली किसी का 90 होता है, किसी का एक से ज्यादा भी होता है, मतलब 0.90, या किसी का 1.0 से लेकर आगे भी होता है। तो ऐसा बोला जाता है किसी का 0.80, 0.70 अगर हो दैट इज एक्सेलेंट। तो 80 तक इट इज गुड, 90 भी चलता है दैट इज नॉर्मल, लेकिन अगर किसी का एक और एक से ज्यादा है दैट मीन्स दैट इज डेंजरस। अभी BMI और WHR के बेसिस पे कई बार डॉक्टर्स या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये तय करते हैं कि ये लोग ज्यादातर प्रोन होते हैं डायबिटीज के लिए या फिर हार्ट डिजीजेस या फिर कोई ऐसा इलनेस के लिए वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं। उनको होगा ही, ऐसे जरूरी नहीं है, बट ऐसा माना जाता है, तो इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। द लास्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, और जिसको मैंने बोला था पहले कि इसको एजिलिटी भी बोला जाता है, कि हमारा बॉडी में कितना कोऑर्डिनेशन है वो देखने के लिए इसका इस एबिलिटी का इस्तेमाल या इस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और
इसको बोलते हैं टू चेंज द मूवमेंट और डायरेक्शन विथ बैलेंस, मतलब इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि हम डायरेक्शन चेंज कर रहे और गिर रहे, सो दैट इज देर इज नो स्टेबिलिटी। इसके चार पार्ट्स है, एक है बैलेंस, रिदम, अडेप्टेशन और रिएक्शन। लेकिन ये सारी चीजें हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये इसको कंट्रोल करता है। इसमें बैलेंस आता है कि हम लोग एक पैर के ऊपर बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, दो पैरों से बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर एक हाथ के ऊपर बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, दोनों हाथों से बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर चारों मतलब दो पैर और दो हाथ इसके ऊपर ठीक से बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। सो दीज आर सर्टन एबिलिटीज विच टेस्ट द बैलेंस। या फिर कोई सिर के ऊपर कुछ किताब रख के या फिर कोई घड़ा रख के चल पा रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो टेस्टिंग ऑफ बैलेंस। रिदम होता है किसी रिदम के साथ हम लोग मैच कर पा रहे कि नहीं, जैसे डांस करना हो गया या फिर कोई टैपिंग मूवमेंट हो गया। अगर आप देखेंगे कभी कभी हम लोग रिदम पकड़ते हैं, वो कैसे रिदम पकड़ते हैं, अगर हम लोग दो दोस्त अगर साथ में चल रहे हैं, कुछ एक टाइम होता है अगर हम ज्यादा देर तक चल रहे हैं ना, तो हमारे पैर जो है वो ऑटोमेटिकली एक रिदम में आ जाते हैं और एक ही टाइम में ढप 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 चलने लगते हैं। सो दैट इज रिदम। सो कोऑर्डिनेशन वैसे डेवलप होता है। अडेप्टेशन होता है किसी एक चीज को हम लोग जब बार बार करते हैं तो एक अडेप्टेशन आ जाता है हमारे इसमें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। रिएक्शन की हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी। रिएक्शन होता है कि किसी एक स्टिमुलस को हम लोग कितना सतर्कता से रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। सो दीज आर द सिक्स कंपोनेंट्स विच वी टॉक्ट अबाउट। फर्स्ट वॉज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एंड नाउ विल बी गोइंग फॉर ट्रेनिंग्स। ना अभी ये क्या है, जैसे मान लो अगर ये छह सात कॉम्पोनेंट्स जो है हमारे, ये छह के छह कॉम्पोनेंट्स कैसे उसको डेवलप किया जाए, तो इसके लिए हिट ट्रेनिंग और फिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हिट का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये जनरली बोला जाता है कि ये हफ्ते में दो तीन या चार बार भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, हार्ट रेट जो होता है हमारा वो ज्यादा होना चाहिए और इसमें थकान ज्यादा होती है, फैट बर्न ज्यादा होता है। अगर इसके बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे दिए, आप देख सकते हैं, इट इंप्रूव्स वीओ टू मैक्स। वीओ टू मैक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये कैलोरीज को बहुत जल्दी बर्न करता है और इपोक बढ़ाता है। तो इसमें अब इसको बढ़ाया कैसे जाए, तो इसके तरीके हैं। और अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते ज्यादा, तो क्या है घर में ही इसको करना है। तो घर में करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे। सी पार्ट में एक्सरसाइज दिए है, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, हाई नी एक्शन, डायनेमिक स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, हिल स्प्रिंट्स। अब हिल स्प्रिंट्स जो है एक्चुअली बाहर के मतलब बाहर के लिए है, और बर्पीज है, और जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज विद यंग वंस, तो आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे होंगे, कुछ होंगे, तो उनके साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो हिट ट्रेनिंग का इस्तेमाल होना मतलब हो जाएगा। फिर होता है फिट। अगर आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, फिट दैट इज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज हाउ ऑफन टू एक्सरसाइज, मतलब कितने दिन तक वो एक्सरसाइज करना है, या फिर कितने महीने तक वो एक्सरसाइज करना है, या कितने क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक्सरसाइज है उसका जो स्पीड है, या फिर वो कितनी बार हम करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी है कितना हार्ड उसको करना है, मतलब उसके रेपिटेशन कैसे होने चाहिए, ये एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ जिसमें रेपिटेशन होगा। लेकिन जहां पे हम लोग चलना या कुछ है या दौड़ना है, तो उसमें हार्ट रेट का इस्तेमाल होता है। और हार्ट रेट क्या होता है, कभी भी हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने सुप्रियो सर का लेक्चर देखा होगा कल, तो उसमें उन्होंने हार्ट रेट कैलकुलेशन बताया होगा, जिसमें टारगेट हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे ही जब हमारा इंटेंसिटी की बात आती है, तो हम लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे जिनको फैट बर्न करना है, कुछ बर्न करना है मैक्सिमम फैट बर्न के लिए, तो उनका जो एक्टिविटी है वो 120 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ऑन एन एवरेज होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्टिविटी। तो क्या होता है, उसमें थकान रहती है और बॉडी जो है वो जो हम लोग कभी एटीपी साइकिल बोलते हैं या सीपी साइकिल बोलते हैं, वो उसका एक्टिवेशन करने में और बर्निंग होने में काम करता है। सो दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट है टाइम, हाउ लॉन्ग टू एक्सरसाइज, कितना देर तक हम उसको एक्सरसाइज करना है।
एक घंटा हो, 45 मिनट हो, आधा घंटा हो, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से एक घंटा, मतलब कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक घंटे तक तो एक्सरसाइज करना चाहिए। सर सुनाई दे रहा है? हाँ यस, हियर वी आर। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। तो हम आ रहे थे अभी पिट पे और हिट पे। नेक्स्ट इज टाइप, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वेदर इट इज वॉकिंग, रनिंग, बाइसिकल और स्विमिंग। तो ये सारे टाइप्स है जो कि मतलब एक्सरसाइज में हम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अच्छा, मेरे ख्याल से बीच में कनेक्शन टूट गया था। या नाउ द कनेक्शन इज बैक आई बिलीव। या सो हम लोग टाइम की बात कर रहे थे, फिर हम लोग टाइप पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इट इज, वेदर इट इज वॉकिंग, रनिंग और बाइसिकल और स्विमिंग। तो ये एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखेंगे तो रनिंग, बाइसिकल और स्विमिंग हम कर नहीं पाएंगे, वॉकिंग भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर ही घर में हम इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे कि हम लोग कौन से एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आया हुआ है कि कॉम्पोनेंट्स है, ये जो कॉम्पोनेंट्स है ये वेलनेस के कॉम्पोनेंट्स है। वेलनेस के ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी जस्ट एक आइडिया देने के लिए, इसके 8 कॉम्पोनेंट्स है। वो 8 कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है? वन इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल एंड एनवायरमेंटल। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। आई विल डायरेक्टली गो टू द एक्सरसाइज पार्ट, एंड दैट एक्सरसाइज पार्ट्स आर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये एब्डोमिन वर्कआउट मैंने दिया हुआ है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये घर ही घर में कैसे किया जा सकता है, ये दिया हुआ है। तो ये पहला वीडियो है। मेरे ख्याल से अगर वीडियो चल रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे देखिएगा, 5 एक्सरसाइजेस मैंने दिए हुए हैं कि मतलब ये पूरे एब्डोमेन के लिए है। ये वाला भी एरिया एब्डोमेन के लिए है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है और राइट साइड में दिख रहा है वो भी एब्डोमेन के लिए है। ये वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज है, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के लिए। ऑब्लिक्स का शायद इसमें मैंने नहीं दिया हुआ, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। मैं पहला वीडियो चलाता हूँ, उसके बाद दूसरा वीडियो भी चलाऊंगा। ये देखिए, तो ये था पहला वीडियो। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, इसमें भी एब्डोमेन एक्सरसाइजेस है। ओके, सो ये है ओनली फॉर एब्डोमेन, ए सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस जो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। अब ये दूसरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो है सूर्य नमस्कार का और बर्पीज का। तो पहला जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ये दोनों सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो ये सूर्य नमस्कार था। इधर देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, यहाँ पे सूर्य नमस्कार भी है और बर्पी भी है। ये कैसे किया जाता है? एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा। ओके, बर्पी और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो आपने देख लिया, बर्पी और ये ले नहीं रहा है, तो आगे वाला मैं दिखाता हूँ।
तो ये था पुशअप्स के लिए, मतलब आर्म के लिए एक्सरसाइजेज है। इधर का भी पुशअप्स का ही है, लेकिन ये वीडियो ले नहीं रहा है। ये वन हैंड पुशअप्स, ये डायगोनल पुशअप्स, मतलब एक हाथ सामने से है और एक हाथ साइड में है। ये वन लेग पुशअप्स है, ये पाइक पुशअप्स है। ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, नहीं तो यू वुड हैव एंजॉयड दैट। यहाँ पे आप देखेंगे किडनास्टिक्स लिखा हुआ है, जिमनास्टिक्स का वर्जन लिखा है, छोटे बच्चों के लिए किडनास्टिक्स। इसमें हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो दिखाया हुआ है। ये पूरे वेरिएशंस है। ओके, ये जो है अगर आप देखेंगे, ये जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं, छः छः का मतलब है पहले आपको ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये, मतलब लास्ट पार्ट में आपको हेड स्टैंड या हैंड स्टैंड आना चाहिए। ऐसे इसमें मतलब इसका प्रोग्रेशन मैंने शो किया है। ये मेरे ख्याल से दूसरा वीडियो चलेगा कि नहीं पता नहीं, बट लेट्स ट्राई। और नहीं चल रहा है वो। ओके, इधर है अभी ये कार्डियो है, हिट जो मैं बात कर रहा था। इसमें हाइनी आप देख पा रहे होंगे, क्रॉस लेग्स देख पा रहे होंगे। तो ये जो है, ये वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ वीडियोस यहाँ पे चल रहे, कुछ नहीं चल पा रहे। सो एनीवे, जस्ट अ सेकेंड। इसमें फुल बॉडी वर्कआउट दिया हुआ है। ये हिट कार्डियो का मतलब है, ये डायरेक्ट हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, मतलब हमारे जो हार्ट मसल्स है इसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस बॉडी दिखा दिया हुआ है। इसमें भी टो टच वगैरह दिया हुआ है, मतलब हमारे बॉडी को जितना एंड्स को हम लोग टच करेंगे उसमें ज्यादा इस्तेमाल हमारे कैलोरी बर्निंग में और मसल डेवलपमेंट में और क्या बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी में ये काम करेगा। ये है अगेन फुल बॉडी वर्कआउट। इसमें भी जंपिंग जैक्स है, कुछ टॉर्सो क्रंचेस है, पुशअप्स है, लोअर एब्स है, फ्रंट प्लैंक है, स्क्वाट्स है, मतलब ये पांच एक्सरसाइज और ये पांच एक्सरसाइज। ये मतलब ऑलमोस्ट हमारे अपर बॉडी, मिडिल बॉडी और लोअर बॉडी, मतलब ये दोनों पार्ट्स को ये लोग कवर करते हैं, सॉरी तीनों पार्ट्स को ये कवर करते हैं। सो दिस इज फुल बॉडी वर्कआउट। नेक्स्ट इज टीआरएक्स वर्कआउट। टीआरएक्स टोटल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इसको बोला जाता है। जनरली टोटल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, अगर आपके पास बेल्ट हो तो बहुत अच्छा है, अगर बेल्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना बेल्ट का भी कर सकते हैं। आपके पास रस्सी होनी चाहिए, रस्सी को आप अटका दीजिए और वैसे आप कर सकते हैं। अभी अगर आप इधर वीडियो चला तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे चलता है। देखिए ये मैंने इधर दिखाया हुआ है। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये बेल्ट है, ये बेल्ट के ऊपर हम क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस बेल्ट को कैसे दरवाजे में लगाया जाता है। और फिर ये जो एक्सरसाइजेस है, सारी एक्सरसाइज अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो छह एक्सरसाइजेस है और यहाँ पे जो पांच एक्सरसाइजेस है, इन एक्सरसाइज को कैसे किया जा सकता है ये इसमें आपको दिख जाएगा। तो आगे चलते हैं योग आसन्स। अब यहाँ पे कुछ आसन्स अगर ये वीडियो चलता है तो आपको दिख जाएंगे, और नहीं चल रहा है। सो ये तो सिंपल सिंपल आसन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें थोड़े बहुत अगर आप प्रशांत सर का सुने होंगे तो उन्होंने आयुष मंत्रालय का जो ये दिया था कुछ प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखते हुए इन आसन्स को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट है किडनास्टिक्स, जो मैंने बताया आपको छोटे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। तो अगेन ये घर ही घर में हम लोगों ने छोटे बच्चों को ये कराया था, कार्टविल और बैक फ्लिप। तो ये कैसे, अगर ये वीडियो चला तो आपको दिख जाएगा। आइए देखिए। तो ये जो वेरिएशन आपने देखा, तो पहले इसमें उनको क्या करना है, मतलब क्या आना चाहिए, दूसरे इसमें क्या आना चाहिए, तीसरे इसमें क्या आना चाहिए, और चौथे में उन्होंने खुद कार्टविल करना चाहिए, ये इसमें ऐसा डेवलपमेंट है। अगर ये बॉल वाला वीडियो चला तो बॉल वाला भी आपको दिख जाएगा कि बैक फ्लिप कैसे कराया जाता है बच्चों को। नहीं दिख रहा है वो वीडियो। एनीवे,
नेक्स्ट है जिसमें किड्स को वेव बोर्ड और स्केटिंग कैसे कराया जाए, तो ये उनका पहला सीक्वेंस मतलब प्रोग्रेशन कैसे है वो दिख जाएगा, अगर ये वीडियो चला तो आपको दिख जाएगा दोनों भी। ओके ये स्केटिंग का चल रहा है, देखिए ये था स्केटिंग और वेवबोर्ड नहीं चला, लेकिन वेवबोर्ड क्या है, एक सिंगल व्हील होता है नीचे, इसमें इनका बैलेंस एबिलिटी डेवलप होता है। तो हम लोग कंपोनेंट की बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में, तो वहां पे बैलेंस आपने देखा होगा, तो ये बैलेंस वहां पे डेवलप करता है। ये भी देखिए, ये भी बैलेंस के लिए है, ये बॉल एक्सरसाइजेस है और ये टिडबिट्स है। टिडबिट्स मतलब एक झटके में उस एक्सरसाइज को करना है, वो क्या है, अगर ये वीडियोस चले तो आपको दिख जाएंगे। तो ये बॉल बॉल बैलेंस आपने देखा होगा कि बॉल के ऊपर बच्चों को कैसे कराया जाए, और जो ये बच्चे कर रहे हैं वैसे हम लोग बड़े भी कर सकते हैं बॉल के ऊपर बैलेंस। बड़ा मजेदार है, अगर आप ट्राई करेंगे कभी तो यू विल रियली एंजॉय दिस। ये टिडबिट्स अगर चला तो ये भी दिख जाएगा आपको। या ओके ये जो टिडबिट है आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, कि ये जो सीक्वेंस है ये मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको करना है। तो यू कैन ट्राई दिस एट होम, और अगर आप अभी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये मेरे दोनों बेटों ने और मैंने ट्राई किया, सो आई वी वर एबल टू डू दिस, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग फॉर द स्टिक और बाइंड एक्सरसाइजेस। किसी के घर में रस्सी हो सकती है तो रस्सी से वो आप बैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास लकड़ी है तो लकड़ी के साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो चले तो आपको दिख जाएगा कि लकड़ी के साथ हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन से मसल्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और चल गया देखिए। तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है और मसल्स को भी एक्टिव करता है और डेवलपमेंट में काम करता है। ये स्लीपिंग एक्सरसाइजेस मतलब फ्लोर एक्सरसाइजेस। सो दीज आर सर्टेन एक्सरसाइजेस, एंड ये मेरा लास्ट स्लाइड है जहां पे योग और जिम्नास्टिक्स दिखाया हुआ है। अगर ये वीडियोस चले तो आपको दिखा दूंगा। जिम्नास्टिक्स का एक पार्ट है और योग का, चंद्र नमस्कार का जो पार्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सूर्य नमस्कार सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग चंद्र नमस्कार भी ट्राई कीजिए, क्योंकि चंद्र नमस्कार में और सूर्य नमस्कार में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। सूर्य नमस्कार अगर आपने देखा होगा तो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होता है और बैकवर्ड बेंडिंग होता है। तो हमारा स्पाइन जो है वो चारों तरफ मूवमेंट करना चाहिए। तो चंद्र नमस्कार में क्या होता है, हमारा जो स्पाइन का मूवमेंट है वो साइड साइड में है। तो एक बार देखते हैं, अगर ये वीडियो चला तो आपको दोनों दिख जाएंगे। तो ये सिंपल था, और ये चंद्र नमस्कार एक बार देख लीजिए।
सो ये था चंद्र नमस्कार और ये था जिम्नास्टिक्स. होप यू ऑल हैव सीन दिस वीडियोस और मेरी आवाज मुझे लगता है अब तक ठीक पहुंची होगी. अगर नहीं पहुंची होगी तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स टू उनको कैसे आप दे सकते हैं आप देखिएगा. और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना. और कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो या तो आप चैट बॉक्स में डालिए या फिर ऑडियंस में से कोई भी अगर पूछना चाहता है तो वो ऑर्गेनाइजर्स को बताए तो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे शेयर कर लेंगे. सो आई वंस अगेन थैंक ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. आई थैंक ऑनरेबल वाइस चांसलर एंड द टीम हु अभिषेक सर, चंद्रा सर एंड अदर मेंबर्स. मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. So stay fit, enjoy always, keep smiling and enjoy the beauty of life. ये मेरा YouTube channel है, अगर आप देख सकते हो तो इसमें देख सकते हैं, आपको पूरे videos इसमें मिल जाएंगे. Now it's open for question and answers, if anybody have, so we can just discuss on. So I would request the organizers